जय श्री महाकाल मित्रों, एस्ट्रोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज बात करते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो इनकम ग्रोथ है वो वैसी नहीं है जैसी हमको चाहिए। हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई, हमारी इनकम ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी रह गई, एक कंटिन्यूटी नहीं है हमारी इनकम के अंदर। कभी कम मिल गया, कभी ज्यादा मिल गया, कंटिन्यूटी नहीं है। और दूसरा, हमारी प्रोग्रेस जो होनी चाहिए उस तरह की हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही है तो क्या करें? एकदम से सरल उपाय, हालांकि हम लोग कई ज्योतिषी लोग हमेशा ईशान 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 कोण के पीछे पड़े रहते हैं। क्या ईशान नहीं की, क्या ईशान, बाकायदा ईशान को सुधारना चाहिए। लेकिन सबसे नेगलेटेड जो चीज रहती है हमारे घर के वास्तु में, वो होती है पश्चिम का कोना, पश्चिम की दीवार, दक्षिण पश्चिम का कोना, पश्चिम की दीवार, ये सदैव नेगलेटेड रहते हैं। अब आपको दो छोटे से रेमेडी बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं, जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ले आएगी। आपकी लाइफ में एक जो इनकम की कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखेंगे, साथ ही साथ इनकम की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे और घर के वास्तु दोष को, बहुत बड़े वास्तु दोष को भी दूर करेंगे। तो क्या करना है? करना ये है, एकदम से सरल उपाय है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्च में, मिनिमम खर्च का उपाय है, बता रहा हूं आपको। करना यह है कि एक तो दक्षिण पश्चिम के कोने में आपको लोहे की एक कटोरी लेनी है शनिवार के दिन। उस लोहे की कटोरी में लोहे के कुछ सिक्के डालने। आजकल के तो जो सिक्के आ रहे हैं वो सब लोहे के ही आ रहे हैं, चुंबक से लगाकर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, पीतल के या उस तरह स्टील के नहीं आते, लोहे के सिक्के आते हैं। तो लोहे के सिक्के उस कटोरी में, लोहे की कटोरी में डालना है, साथ ही कुछ लोहे के टुकड़े भी डालने हैं। बस हो गया काम। ये इतना कर देने भर से घर की मैक्सिमम जगह के वास्तु दोष को, ये दक्षिण पश्चिम जो कोना है, जो नेगलेक्टेड रहता है हमेशा, नृत्य कोण इसको हम लोग कहते हैं, वो उस चीज को बैलेंस कर देगा। एकदम से एक हफ्ते के भीतर भीतर आपको लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको हर शनिवार को ये लोहे के सिक्के और जो टुकड़े उस कटोरी में डाले हैं, ये चेंज करने, किसी भी पीपल के नीचे रखाइए, किसी गरीब को दे दीजिए, या कुछ भी, वॉट एवर, आप उसको चेंज कर दीजिए, दूसरे सिक्के टुकड़े आप रख लीजिए। बेहतर है सिक्के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को दान स्वरूप अपन लोग देते हैं तो वो भी उसके काम आएंगे। दूसरा, पश्चिम की दीवार, मैं आप यहाँ पे पश्चिम के कोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पश्चिम की दीवार की बात, पश्चिम की दीवार पर आप श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की गोल्ड कलर फ्रेम वाली एक तस्वीर लगा दीजिए। विष्णु जो है, भगवान विष्णु, वो स्थायित्व के प्रतीक है, और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी धन के बढ़ाने की प्रक्रिया को, उसका प्रतीक है, उसको बढ़ा दीजिए। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो तस्वीर आप पश्चिम की दीवार पर जैसे लगाएंगे, एक तो आपके स्थायी इनकम का सोर्सेस आपके लाइफ में बन जाएगा, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में कि स्थायी सोर्स नहीं, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है, तो एक स्थायी सोर्स बन जाएगा साथ में कंटिन्यूटी के साथ। साथ ही साथ लक्ष्मी माता का प्रभाव उस जगह ऐसा रहेगा कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, हर महीने आपकी इनकम को बढ़ाएगा। अब आपको करना यह है कि इतना अगर होता है तो महीने में एक बार किसी भी वेद पाठी, शिव भक्त या देवी भक्त, ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उसे भोजन करवाएं और उसे यथोचित दक्षिणा दें। जैसे जैसे आपके पैसे की ग्रोथ बढ़ती है, वैसे वैसे आप उसकी दक्षिणा बढ़ाते रहे। ज्यादा नहीं, 1.5 साल तक ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा। शुभकामनाओं से इस तरह की जानकारी के लिए फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।